सो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के लेक्चर नंबर 6 है, मिस अभ्या एंड मिस मरियम, ठीक है। अल्फा बीटा का मतलब मैंने क्या बताया था, एक्स की दो वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू, क्योंकि जब हम लोग क्वाड्रेटिक में एग्जांपल के तौर पे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें तुम लोग इस पर जस्टिफाई मत करना कि सर आंसर गलत बता रहे हैं क्या, समझो कि एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे दो आंसर आते थे, एक में 3 आ गया, एक में माइनस 2 आ गया, तुम यहाँ पे और लगाते, क्या लगाते हैं, और लगाते हैं, तो इस एक्स को, इस एक्स को हमने एक सिंबल दे दिया, क्या सिंबल दे दिया, अल्फा एंड बीटा, बस इतना ही किया है और कुछ भी नहीं किया है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों को, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक काम करते हैं, एक सही एग्जांपल ले लें, नहीं तो क्या होगा मालूम, प्रूविंग देने में दिक्कत होगी, और मैं बता चुका हूं फिर भी मैं एक जस्ट रिमाइंड करा दे रहा हूं, किसी आंसर का ये ले लें फटाफट, चलो एग्जांपल यही ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू 1 आई है 2, और करके 1 आई है 1/2, तो सॉल्व करो इधर ही आएगी, मतलब अल्फा, इसको बस एक नाम दे दिया अल्फा, तो इस पहले वाले x को 2, और इसको नाम दे दिया बीटा, मतलब अब यहां पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट ये किए थे कि अल्फा प्लस बीटा को हमने रेट चेक किया तो पता चला क्या आ रहा है, जब हमने ऑब्जर्व किया पता चला क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ रहा है, आ रहा है ना माइनस बी बाई, कैसे तरह आ रहा है, चलो करके देखते हैं, अल्फा बीटा यानी 2 प्लस 1/2 यहां पे किया ये ना 2 प्लस 1/2 माइनस बी, देख लो बी क्या है, बी है माइनस, एक्स में जो लग रहा है तो बी होता है ना, तो माइनस का 5/2 बट बाहर माइनस चल रहा है अपॉन ए, अभी नहीं किया ना ए है 1, ये कितना है वन, देख लो एक्स स्क्वायर मतलब 1, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, तो 2 to 4 यहां आ गया 5/2, माइनस माइनस प्लस, ये नीचे 1 के तो मतलब ही नहीं ना कुछ, ठीक है, प्लस का 5/2, ये देखो हमने चेक भी कर लिया। अब इसी बेस पे इसी को हथियार बना, और ठीक हाँ एक और फॉर्मूला, चलो अल्फा इसी तरह अल्फा इंटू बीटा करेंगे मल्टीप्लाई, तो रिलेशन क्या बन के आ रहा है, सी बाई ए, नहीं यकीन आ रहा है चेक करके देख लेते हैं, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो हम लोग चेक करके देख लेंगे, तो इधर साइड 1 आ रहा है सी बाई ए, देखो सी 1 है, ये भी 1 है, 1/1 सी बाई ए, तो 1/1 अगेन 1, तो ये हमने प्रूफ दे दिया था। अब इसी दो फॉर्मूले के बेस में काफी चीजें घुमाई गई, तो हम घूमेंगे नहीं, हम सॉल्व करेंगे सही तरीके से, कितना भी घुमाने कितना भी घुमा लेंगे, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या है, देखो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे बोला गया है कि क्या निकालो, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा की वैल्यू निकालो, एक ये क्वेश्चन है, अलग अलग 3-4 और हैं, पहले इसको डील करते हैं, ठीक है, चलो चलो। और दूसरा बोला गया है कि इसकी भी वैल्यू निकालो, 1/α 1/β की भी वैल्यू निकालो, तीसरा बोला गया है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू निकालो, ये 3 की वैल्यू निकालना है इसके बेस पर, मतलब कोई एक न्यूमेरिकल बेस इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ है, मतलब कि ए मतलब तुम्हारा ए है, बी मतलब तुम्हारा बी, सी मतलब तुम्हारा सी है ना, एक्स स्क्वायर मतलब ए, ठीक है, ए बी सी वैल्यू दी, मतलब वेरिएबल बेस पर है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे अल्फा और बीटा के ही लॉजिक से जाएंगे, देखो माइनस अल्फा माइनस बीटा चाहिए ना तुम्हें, तो अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या, माइनस बी बाई ए, यहां फॉर्मूला लिख लिया करो फॉर्मूला, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी बाई ए, ठीक है, हमें माइनस अल्फा माइनस बीटा तक के जाना है, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा कैसे आएगा भाई, हम अगर माइनस कॉमन लेकर बाहर अल्फा प्लस बीटा ऐसे कर रहे हैं, उधर भी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया, हमारा फॉर्मूला ये है ना बी भाई, तो लेकिन यहां माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड क्या कर देंगे, माइनस से ऐसे सोचो, हमने फॉर्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हमने दोनों साइड क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका प्लस का बी अपॉन ए, इसको अभी होल्ड करो,
ये आ गया प्लस का बी बाई। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, सी बाई ए है। तो ठीक है ना, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा लेने में क्या दिक्कत है, माइनस इंटू माइनस तो वैसे प्लस होने वाला है, माइनस इंटू माइनस तो वैसे भी प्लस होने वाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है इसी इक्वेशन में रखनी है, जितने दी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए में क्या आ जाएगी वैल्यू, तुम्हें एक फॉर्मूला बताना भूल गया लग रहा है। तो इससे पहले एक फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस क्या है, ये सम ऑफ रूट है, यानी एस के साथ में आप सम ऑफ रूट लगा सकते हो, सम ऑफ रूट लगा सकते हो, तो आप आंसर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही रहेगा। तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये आप यहाँ पे लगा दोगे तो भी आपका आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आया था, बी बाई ए आया था, क्या आया था, बी बाई ए, बी बाई ए आया था ना, माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो बी बाई ए का, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए आया था, ठीक है, बी अपॉन ए एक्स प्लस ये होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ठीक है, जो एक्स में लगा रहता है सम ऑफ रूट रहता है, पी में जो लगा रहता है वो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, सी बाई ए, ठीक है, तो यहां पे लगा सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे, सब में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड इन टू वे, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर हटा देंगे हम लोग, ए से मल्टी सारे टर्म में मल्टीप्लाई ए से कर देंगे, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी एक्स हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ओके, हाँ माइनस बी एक्स आ गया, माइनस का आंसर आया, इसका मतलब कि अगर हम माइनस में अल्फा ले रहे हैं तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर माइनस में पहुंच जाएगा, सम ऑफ माइनस मिल जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वन अपॉन अल्फा लगाना है, वन अपॉन बीटा, यहाँ पे माइनस में अल्फा कहाँ दिया था आपने, प्लस, तो वन अपॉन अल्फा कॉमा वन अपॉन बीटा को अप्लाई करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, तो वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा, यानी कि हम सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा का, तो इन दोनों का सम करो, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, डिनोमिनेटर कॉमन करो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन, यहां से एस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ रूट, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, रूट, ये दो रूट दिए हैं, तो यहां से सम ऑफ रूट निकाल रहे हैं, क्यों सम ऑफ रूट निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पुट करना है वैल्यूज को, तो ये आ गया अल्फा बीटा, ठीक है ना, हमें इसमें पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक के इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है, तो यहां पर क्या चाहिए, एक्स के साथ में सम ऑफ रूट चाहिए, यहां पर क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, तो सम ऑफ रूट तुम्हें रूट दिए हुए तो इसका हम सम कर रहे हैं, सम करके वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, भाई अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, सी बाई ए, समझ रहे, ये चीज हम लोग कर रहे हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों को सम किया, ये दोनों को सम क्यों किया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू दी गई, अभी नहीं यही दो रूट सम ऑफ रूट करेंगे, सम ऑफ रूट करने के बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा माइनस बी बाई सी आंसर आ गया, ये हो गया एस की वैल्यू आ गई, चलो अभी हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ निकाल लें, पी निकाल लें, तो वन अपॉन अल्फा इंटू वन अपॉन बीटा, तो पी खाली रेसिप्रोकल में आएगा, वन अपॉन इंटू वन अपॉन बीटा, तो वन अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, मतलब ए बाई सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बाई सी, तो एस की जगह एस डाल देंगे, पी की जगह पी डाल देंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस
माइनस बी बाई सी, तो इन ब्रैकेट ये फॉर्मूला है बाई डिफॉल्ट माइनस ए, तो इन ब्रैकेट माइनस बी बाई सी प्लस ए बाई सी का डायरेक्ट ए बाई सी कर, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी प्लस ए बाई सी इज इक्वल टू जीरो, दोनों साइड सी सी से मल्टीप्लाई कर देना, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दोनों साइड सी सी से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ का सी कट होगा, यहाँ का सी कट होगा, यहाँ पे सी लग जाएगा, समझिए। तो ये आंसर आ गया। हाँ, इक्वेशन निकालनी है, बोले तुम्हें दो रूट दिए हुए, हमारे पास एक फॉर्मूला है नई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का इन द टर्म ऑफ ए एंड बी वाले में, सम एंड प्रोडक्ट वाले में। तो यहाँ पे माइनस है, याद माइनस है, इसका सम ऑफ रूट, इन दोनों का सम करो, बाद में इनकी वैल्यू रिप्लेस करो इनके फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पर क्या अल्फा बीटा आया, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई है, अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाई, क्लियर है। इस तरीके से वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। तो नेक्स्ट बोला गया है इसी इक्वेशन से ए स्क्वायर बी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का नई इक्वेशन बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब की बार जो हमें सम ऑफ रूट लेना है वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के लेना है, मतलब इसका अगर हम सम निकालेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ओके। अब सवाल यही है सर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं डालनी है इसमें, इनकी बी बाई माइनस बी बाई ए वाले उसके टर्म में वैल्यू डालनी है, ये वैल्यू डाल के यहाँ डालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, यहाँ एस के अगर डाल दो तो ना, इसकी कौन सी वैल्यू डालनी है जो बी ए सी ए में के टर्म में वाली वैल्यू डालनी है, अल्फा बीटा यहाँ पर हम नहीं डालेंगे, तो ठीक है ये वैल्यू तुम्हें कुल मिला के निकालना पड़ेगा। अब क्या करें सर, इसका देखो फॉर्मूला है नहीं मेरे पास, तो सर ये फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, मेरे पास तो ये फॉर्मूला है सर, इसका फॉर्मूला तो नहीं है। तो इससे पहले लेक्चर में हम सारी चीजें बता चुके हैं कि इसको अगर इस तरह के कोई इक्वेशन आई है आपके पास तो देखो क्या ये कोई आइडेंटिटी का पार्ट है, क्या ये किसी तो ये ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख गया, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस टू ए बी आ जाएगा, कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। हाँ ये समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मिल गया, हाँ सर माइनस बी बाई ए मिल गया, यहाँ अल्फा इंटू बीटा मिल गया, हाँ सर सी बाई ए मिल गया। तो अब इसको पकड़ो भाई, अब ये तुम्हारा दोस्त है, ए भगा दो इसे, ये तुम्हारी इससे तुम्हारी दोस्ती होगी, ठीक है। तो माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए मतलब सी बाई ए, ये वैल्यू मैंने ऐसे ला के रख दी देखो इसके कंपेयर से, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस टू सी बाई ए, ये तुम्हारा फॉर्मूला इसका आ गया, ये आ गया सम ऑफ क्या रूट, सम ऑफ रूट है ना, तो एक बार में इसको कर लें क्या, थोड़ा सा डिनोमिनेटर कॉमन वन कर लें, इंटू ए कर लेंगे ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे है ना, तो बी स्क्वायर टू ए सी बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये डाल देंगे तुम्हारा एस की जगह, डाल एस की जगह, ठीक है ना। चलो अब वो निकाल लो, पी निकाल लो, पी इक्वल टू पी तो खैर इजी रहेगा है ना, पी कैसे निकालेंगे, तो पी के लिए तुम्हें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर, ये भी इजी लग रहा है, बोलो ये क्यों इजी लग रहा है, ये देखो ज्यादा ही इजी है, कैसे अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, बस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम है, हाँ सर मालूम है, सी बाई ए होती है सर, तो सी बाई ए, सी का स्क्वायर ए स्क्वायर, बस। अब क्या कुछ कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ है क्या, बताइए, तुम्हें सारी वैल्यू मिल चुकी है, पी भी मिल चुका है तुम्हें, एस भी मिल चुका है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पूरा ब्रैकेट में ही डालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, प्लस पी की जगह सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा लगेगा, क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे कट जाएंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, ठीक है, और इसका भी डिनोमिनेटर कट, समझिए समझिए, ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई करो,
एस पर यहाँ मल्टीप्लाई करो, एस पर यहाँ मल्टीप्लाई करो, एस पर यहाँ भी मल्टीप्लाई करो। एक इक्वेशन में हम कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं, एक इक्वेशन में कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं, शर्त यही है सारे टर्म में करना पड़ेगा जो चाहे वो। तो माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया आंसर, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, टू ए सी प्लस सी, वेरी गुड, ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया इस टाइप के सबको हमें कैसे डील करना है। क्वेश्चन दी, क्वेश्चन में तुम्हें आपकी बार एक नंबर में ही एक क्वांटिटी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में वेरिएबल में दिया हुआ था, आपकी बार वैल्यूज तुम्हें दी गई है, आपकी बार तुम्हें वैल्यूज दी गई है, ठीक है। एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है, थ्री है, बी की वैल्यू क्या है, सिक्स है, सी की वैल्यू क्या है, टू है, ठीक है, सब वैल्यू प्लस में, ठीक है, चलो अच्छी बात। निकालना क्या है, फॉर्म एंड इक्वेशन, तुम्हें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जो जिसके रूट ये दोनों हैं, माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है ना। मतलब अब की बार है ना पी और क्यू तुम्हारे रूट्स हैं, जैसे अल्फा और बीटा होता था, अब की बार क्या है पी और क्यू तुम्हारे रूट है, मतलब इनका सम निकालेंगे और वैल्यू को तो अल्फा, जैसे अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्म में माइनस बी वाई ए, उस फॉर्म में हम वैल्यूज को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं करके दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और रूट जो तुम्हें दिए हैं पी स्क्वायर अपॉन क्यू, दूसरा दिया माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है, दोनों रूट दिए, ठीक है ना, मतलब पी एंड क्यू के फॉर्म में रूट तुम्हें दिए हैं। तो हमें पता है यहाँ पे लिख लो ए बी सी की वैल्यू, ए थ्री है, बी सिक्स है, सी टू है, ठीक है ना, ये वैल्यूज मैंने लिख ली। अब देखो मुझे इसका, अब ये रूट है, मतलब अब फॉर्मूला लगाएंगे इनके सम, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सम, नया तुम्हें इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, एस मतलब क्या, एस मतलब सम ऑफ दिस रूट, पी मतलब क्या इन्हीं का प्रोडक्ट, अब इन्हीं का रूट लेंगे और वैल्यू को रिप्लेस करेंगे अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले से। तो चलो करते हैं, एस इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है, तो कुल मिला के आ गया क्या, माइनस है पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी, डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे इधर से क्यू क्यू मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पी पी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता नहीं कि बताने की ज़रूरत होनी चाहिए कि कैसे डिनोमिनेटर कॉमन करना है, जैसे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ पर पी क्यू ऐसा दिख रहा है ना, समझो वो अल्फा और बीटा ही है, कंफ्यूज मत हो। तो अब क्या करो मालूम है, माइनस कॉमन ले लें, चलो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस ले लो, है अभी भी सेपरेट क्यूब में। तो क्या ये आइडेंटिटी आपको कहीं दिखाई देती है, यहाँ दिखाई देती है सर, किसमें, P माइनस क्यू, क्यों ये हम कह रहे दिखाई देती है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो P प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है, P इंटू क्यू इज इक्वल टू सी बाई ए है, वही अल्फा और बीटा वाला, ठीक है, लेकिन यही दो है तो यहाँ तो मैच नहीं कर, नीचे वाला मैच कर रहा, ठीक है सी बाई ए, लेकिन ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम आइडेंटिटी से उठा के ले आएंगे। P माइनस पी प्लस क्यू की होल आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी होल आइडेंटिटी होती है पी का क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस थ्री पी क्यू इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू, ठीक है ना। अब इसको अदर साइड माइनस में ले आओ, पी प्लस क्यू का होल क्यूब हम ऐसे रखेंगे, माइनस थ्री पी क्यू इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू, ये आ गया आपका इस की वैल्यू, इस की वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारे पास बाहर माइनस चल रहा है, उसे चलाते रहेंगे, ये छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना है। तो p प्लस क्यू का होल क्यू, अब टेंशन नहीं है ना, क्यों हमें p प्लस क्यू की वैल्यू मालूम है, b बाई ए माइनस बी बाई ए, हमें p इंटू क्यू की वैल्यू भी मालूम है। तो माइनस थ्री पी क्यू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, करेक्ट है, हाँ सर करेक्ट। चलो वैल्यू को रिप्लेस किया जाए क्या, वैल्यू को रिप्लेस करेंगे p प्लस क्यू की जगह रखेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का
होल क्यूब माइनस थ्री पी इंटू क्यू की रखेंगे सी बाई ए, सी बाई ए पी प्लस क्यू का अगेन रखेंगे वैल्यू माइनस बी बाई ए, और नीचे नीचे पी इंटू क्यू की वैल्यू रखेंगे सी बाई ए, ठीक है ना। अब हमें देखो बी की भी वैल्यू मालूम है, हमें ए की भी वैल्यू मालूम है, हमें सी की वैल्यू भी मालूम है। जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ बी की वैल्यू लिख दो, जहाँ पर ए है वहाँ ए की वैल्यू लिख दो, जहाँ पर सी है, जहाँ पर ए है, जहाँ पर बी है, जहाँ पर ए है, इनकी वैल्यू को इसकी से रिप्लेस कर दी। कहाँ से आया? इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ था, इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ था, ए बी सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। ये हो गई थ्री ए की वैल्यू, एस के साथ में बी की वैल्यू, यह है सी की वैल्यू। वैल्यू को रिप्लेस करके तुम्हें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा सिक्स। क्या आंसर आ जाएगा? छः आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें निकालना है क्या? एस निकाल लिया, फॉर्मूले में पी भी मांग रहा है, फॉर्मूले में पी भी मांग रहा है, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला बोलो? प्रोडक्ट के लिए तो बहुत ईजी है, प्रोडक्ट के लिए तो बहुत ईजी है, पी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। अब पी पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू वैल्यू बाई सी बाई ए। वॉट इज सी? सी इज योर सिक्स, वॉट इज ए? इज योर थ्री एंड दैट इज योर टू वन। एक मिनट, गलती हुई क्या? हाँ देखो कितनी बड़ी गलती होगी। अब प्रोडक्ट तुम्हें ये दिए हुए थे रूट्स, पी और क्यू नहीं है, रूट तुम्हें ये दिए थे, इनका मल्टीप्लाई करना था, इनका मल्टीप्लाई करना, इनका पी और क्यू करना, इनका मल्टीप्लाई करना। तो पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू इन टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई, ठीक है ना। अब रिप्लेस कर हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पी क्यू आ जाएगा। फिर क्या करोगे? स्क्वायरिंग को कॉमन बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास सेपरेट स्क्वायरिंग की कोई वैल्यूज नहीं है। अब आइए पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू की जगह वैल्यू रखेंगे आप सी ए रखेंगे, ठीक है ना। नीचे पी क्यू है बाहर, चार होगा, सॉरी दो दो चार हो गए, चार कहाँ हो गए, दो ही तो है। पी का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, नीचे पी क्यू। अच्छा एक एक रिड्यूस वाला है आंसर, वैसे भी सेम ही आएगा। हाँ ऐसे रिड्यूस भी कर सकते थे, एक पी से एक पी गया, एक क्यू से एक क्यू गया, तो पी क्यू का अदरवाइज ऐसे भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू का आंसर सेम आने बाद में रिड्यूस हो जाएगा। तो अब की बार पी क्यू मतलब सी बाई ए, जहाँ जहाँ पी क्यू दिखे सी बाई ए कर देंगे, तो सी बाई ए का होल स्क्वायर नीचे सी बाई ए, है ना, पी क्यू का होल स्क्वायर सी। अब सी बाई ए की वैल्यू क्या है? सी बाई ए टू बाई थ्री है। अब सी बाई ए की देखो किस तरीके से हम लोगों ने पहले जो रूट दिए थे उनको फॉर्मूले में बनाया, फिर उनसे हमारे पास ओरिजिनल जो बाय डिफॉल्ट वाले फॉर्मूले थे वहां तक लेकर आए, मतलब बी बाई ए और सी बाई ए की वैल्यू में, फिर बाद में लास्ट में बी ए सी की वैल्यू यहां से हम लोग डालेंगे। आगे बात समझ में, तो बहुत ईजी है, बहुत आराम से इसके स्टेप से किसी तरह की खास कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ओके इसमें भी देखो ऐसे ही करना है आपको, ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है,